खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर तालाब में एक बच्ची का शव तैरता मिला है। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले बमुराहा से मुकेश पटेल की बेटी घर से निकली थी, लेकिन बाद में घर नहीं पहुंची, जिसके चलते घर वालों ने तलाश की। दूसरे दिन परिजनों ने थाना महोबा में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं शव मिलने के बाद पुलिस ने बॉडी की शिनाख्त की, जिसके बाद शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच कर रही है। हमारे तालाब में ईंटें पड़ रही थी, जो ईंटें पड़ने वाले हैं पानी लेने मजदूर जाते लोग उस गड्ढे में, तो जी उस उनको गड्ढे देखा। में उनको लाश पड़ी दिखी, तो उन्हें खबर भिजवाई कि तुम्हारी बच्ची गायब है, तुम देख लो कि कौन है। तो अच्छा, हम इधर तालाब पे आए तो हमारी बच्ची मृतक हमको मिली ये अभी जांच में ले लिया गया है। जी इसका जो विधिवत प्रक्रिया है, हमारी दंड प्रक्रिया संहिता के सर। तहत, उसके तहत जो प्रक्रिया होती है, शव का पंचनामा करवाया गया है, तलाशी ली गई है और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और इसमें अभी स्टेटमेंट होंगे और FSL का इसमें परीक्षण करवाया जाएगा। FSL रिपोर्ट आने पर जो भी इसमें एविडेंस आएगा, उसके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।